नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। पीड़ित वृद्ध महिला ने अपनी बेटी की हत्या करने का ससुराल वालों पर लगाए आरोप, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से लगाई न्याय की गुहार। पीड़िता का आरोप, बेटी की हत्या का मुकदमा वापस लेने को लेकर पीड़िता पर बेटी के ससुराल वाले बना रहे दबाव, लड़के को जान से मरवाने की दे रहे हैं धमकी। आपको बता दें, पूरा मामला गुजैनी थाना क्षेत्र अंतर्गत है, जहां पर बीते दिनों एक महिला की आग से जलकर मृत्यु हो गई थी। मामले संबंध में इंद्रानगर गुप्ता सोसाइटी थाना कल्याणपुर क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली पीड़ित महिला शीला देवी ने बताया कि उसकी बेटी राखी की शादी 2015 में गुजैनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सुनील कश्यप से हुई थी। शादी के बाद से ही उसका पति देवर की पत्नी व उसकी मां लगातार उनकी बेटी के साथ मारपीट झगड़ा करती चली आ रही है। पर हद तो तब हो गई जब बीती 9 अक्टूबर को उनकी बेटी का फोन आया कि मम्मी मुझे बचा लो, मेरे ससुराल वाले मेरे ऊपर सब मिलकर हावी हो रहे हैं, हमसे झगड़ा कर रहे हैं। उसके बाद उन्हें जानकारी फोन द्वारा मिलती है कि उनकी बेटी ने जलकर आत्महत्या कर ली है। इसके बाद गुजैनी थाने में आत्महत्या की एफआईआर की है, जिसमें बेटी के पति को पुलिस ने जेल भेज दिया है, बाकी अन्य लोग फरार हैं। अब पीड़िता का यह आरोप है कि उसकी बेटी के ससुराल वाले राह चलते मुकदमे को लेकर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं और मुकदमा वापस न लेने पर उनके लड़के को जान से मरवाने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित बुजुर्ग महिला शीला देवी 65 साल की है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। उसने IGRS व प्रार्थना पत्र के द्वारा पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार एवं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के न्याय की गुहार लगाई है और बेटे के कातिलों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निवेदन किया है। अब देखना होगा कि इस मामले पर क्या कार्रवाई होती है, क्या बुजुर्ग महिला को उसकी बेटी की हत्या होने का न्याय मिल पाएगा या नहीं। मामला आत्महत्या पर ही दर्ज रहेगा। क्या नाम है आपका? शीला देवी। क्या मामला हो गया? अरे मैं लड़की को ससुराल वाले ने जला के मार दिया, पहले मारा फिर मिट्टी तेल डाल के जला दिया। कहाँ पे ससुराल? मरवानपुर पुरवा का बोलते हैं उसको। हाँ, कितना समय हो गया? 1 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुई रही है। सब अपराधी सब इधर उधर टहल रहे, हम ऐसे भटक रहे हैं, कोई न्याय नहीं मिल रहा, अभी तक नहीं मिला ना, सब पकड़े गए हैं। हमको धमकाया मारा जा रहा, मतलब कि आप ऐसा करोगी या मुकदमा आपस नहीं लगोगी तो तुमको हम तुम्हारे लड़के को मार देंगे, जैसे तुम्हारी लड़की को मार दिया। यही धमका रहे हैं, कुछ न्याय आज तक नहीं मिला। हम चाह रहे हैं कोई न्याय बस हमारी लड़की को मिले। मतलब कौन सा थाना लगता है, पुलिस को सूचना दी थी? थाना यही ये बर्रा कौन सा लगता है? गुजैनी तो चौकी लगती है। हाँ, पुलिस ने क्या FIR तो लिखी होगी? लिखी है, मगर कोई सही नहीं, उनके माफित की सब लिखी है। मतलब पहले कहीं माता जी आपको सब न्याय मिला, कुछ नहीं मिला, हमको आवाज तक नहीं मिला, हमें उम्मीद सब चीज गलत करवा दिया। हमारा सब लोग पहले से हाजिर हुए गए भैया, एक बच्चा था, उस लड़की को भी 4 मन्नतों भाई उसको लेके भाग गए। मतलब ना हम लोगों को उस लड़की को चाहिए, हमें हमारी लड़की मारा उसको भी अकेली हमारी लड़की की उसको भी मार देंगे ये तो, हमें नाती हमको चाहिए। मतलब कितने साल पहले शादी हुई थी? 2015 में भाई है। क्या पहले भी कभी लड़ाई होती थी? पहले लड़ाई आपस में पति पत्नी में लड़ाई हुई? हाँ, ऐसा ही होती। वो शांति तो ये मई के महीना से बहुत लड़ाई हुई रही, जब से ये नौकरी मिल गई। अरे नोचना, गाल बटोना, ये हाथ चूड़ी काट ली नैया, बड़े मुसीबत से मारे समान लड़की को। जल विवाह बाबू बाबू, हमें 4 मिल जाएंगे अब, कह रहा एक नहीं 500 में मिली है। अब नौकरी तुम्हारी माम ने दिया का, हमको कुछ भी नहीं दिया, हकीकत बता रहे। सुनील कच्चा, अरे उसने बहुत अत्यारी करे हमारी बेटिया, पूरा मोहल्ला करा बड़ा सनकारी। आज तक 9 साल आज तक हम चेहरा नहीं उस लड़की का देख। हम यही चाहते हमें न्याय मिले। मतलब भैया और हमको कुछ नहीं, बस लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये जो FIR है इसमें तो आत्महत्या का दर्शाया है पुलिस ने, यही इन्होंने लिखा है, यही दिया है बस, यही तुम्हारी रिपोर्ट है, ना मोहर लगाई ना कुछ दिया, ऐसे बस दिया हुआ है। ये रिपोर्ट झूठी है, ये झूठी है, ये रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमने भी वहाँ पे देखा था कि वहाँ पे मर्डर केस दिखाया, उन्होंने भी कहा था ये चीज को। वो बोले कि आपको ये जाइए, आप परेशान हो, आपको सब होगा, और उन्होंने कुछ मेरा कुछ नहीं किया है, बस वो लिख दिया, कागज दे दिया कि ये ले जाओ इसको, बस आपको जेल भेज देंगे। और वो तीनों जो मेन है वो तीनों फरार हैं। कौन-कौन? उनकी देवरानी सरस्वती और सुशील कश्यप उनके पति, और सास उनकी सुशीला देवी।
मरने से पहले बेटी ने आपके यहाँ फोन किया था क्या? हाँ, शाम को मेरी मम्मी के पास फोन किया 6 बजे के बाद कि मम्मी वो लोग मेरे सब लोग मेरे पर हावी हैं, वो लोग मेरे पर लड़ाई कर रहे हैं, मार डालेंगे मुझे। अमित कश्यप ने मेरे सामने कहा कि 5 लाख रुपए मेरे पास है, 3 लाख मेरे तो मैंने थाने में दे दिया है, अब बाकी आप 2 लाख रुपए बचे उसको आप ले लो, अब इस चीज को समझौता कर लीजिए, नहीं तो मेरा तो केस फाइनल हो ही गया है और मेरा फाइनल हो जाएगा, हम तो ले दे के सब खत्म कर लेंगे, और मेरा इतना खुद ही सोर्स पौआ है, और जो अब बाकी हमने पैसा दे दिया है, अब बाकी तुम्हें लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो यहीं मेरा केस तो बिल्कुल फाइनल है, आगे चल के हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको धमकी फोन में मेरे पास फोन आया था कि भैया कैसे कैसे निपटा लो इसको, और आगे हमें तो कुछ नहीं, लेकिन ये है कि इस केस को यहीं फाइनल कर लो आप, भैया हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, हम लोग परेशान हो जाएंगे, हैं, और यहीं पे दफा कर लो, जो उन्होंने किया वो तो हम नहीं कह सकते, उनके दामाद ने कहा ये चीज़ को, दामाद आपके हिसाब से कितने लोगों ने मिलके मारा? हमें पूरी चार, जिनकी वजह से ये सब लड़ाई झगड़ा है, उनकी छोटे भाई की औरत और छोटा भाई, वो लोग और ये साथ में इनकी सास का बहुत मतलब कठोर भावनाओं से बात करना, जब मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने कठोर तरीके से बात किया और हमसे कहती हैं कि मैं जा रही हूँ जेल, और जो तुम्हें करना हो तुम करो आके। अब प्रार्थना पत्र में उनका नाम नहीं दिया था क्या? उनका नाम दिया है, तो लिखा नहीं, नहीं चारों का नाम लिखा, उसके बावजूद भी ऑनलाइन हमने कंप्लेन करी तो उन्होंने कहा कि हम सुनवाई कर रहे हैं, मेरे पास कोई रिपोर्ट आ जाए तो हम सुनवाई कर रहे हैं, वो आज तक 1 महीने से सुनवाई कर रहे हैं।